विधायक आकाश विजयवर्गीय ने फिर एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। उनके इस बयान की चर्चा सभी दूर हो रही है। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि हम खाली हाथ नहीं घूमते हैं। कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मनोज पटेल ने कहा कि अगर विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं सुधरे तो उन्हें कमरे में बंद किया जाएगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मनोज पटेल का समर्थन किया। आकाश ने कहा, कमरे में बंद करना तो ठीक, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी समझ लें कि हम कभी भी खाली हाथ नहीं घूमते, इसलिए आगे क्या होगा उन्हें समझ लेना चाहिए। कुल मिलाकर आकाश विजयवर्गीय पिछले दिनों अपने बल्ला कांड को लेकर खासे चर्चित हो चुके हैं। अब जो बयान उन्होंने दिया है उसकी राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या आकाश विजयवर्गीय ने आखिर ये क्या कह दिया। वो करके दे, तुरंत करके दे, वरना जैसा मनोज भैया ने बोला ना, कमरे में बंद करेंगे तो मैं आपको बताया, फिर हम खाली हाथ तो घूमते नहीं है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये बातें जनता तक पहुंचाना कि किसके समय 24 घंटे बिजली आती थी और 200 रुपए का बिल आता था और कांग्रेस की सरकार में हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है, क्योंकि यदि हम जनता को नहीं बताएंगे तो आप सब नेता हैं आपके अपने अपने क्षेत्रों के, उसको लगेगा कि इस नेता के कारण। तो जनता तक ये बात घर घर पहुंचे कि ये सारी परेशानी कांग्रेस के नेताओं के कारण है, इस बात की चिंता करना हम कार्यकर्ताओं का दायित्व है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कार्य है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि घर घर जाएं और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।